हेलो एवरीवन, दिस इज पवन टपरानी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज देख रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट प्रॉब्लम लिया हुआ है। करना क्या है इस प्रॉब्लम में कि आपको सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करके देखना है। डिवाइड करने के बाद क्या चेक करना है, क्या ये सेकंड पॉलिनोमियल फर्स्ट पॉलिनोमियल का फैक्टर है क्या। अच्छा, कोई भी जो पॉलिनोमियल होता है वो अनदर पॉलिनोमियल का फैक्टर कब होता है, जब इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर जीरो आ जाए। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं एंड रिमाइंडर जीरो आता है तो दिस वन विल बी द फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, मतलब सेकंड पॉलिनोमियल को आपको फर्स्ट से डिवाइड करना है, चेक करना है क्या फर्स्ट वाला सेकंड का फैक्टर है क्या। कब पता चलेगा, जब मुझे मैं फर्स्ट वाले से सेकंड वाले को डिवाइड करूंगा एंड रिमाइंडर अगर जीरो आ गया तो ये फैक्टर होगा, रिमाइंडर जीरो नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 2t4 प्लस 3t3 माइनस 2t2 माइनस 9t माइनस 12। चलिए क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेते हैं क्या सही नोट डाउन है। 2t4 प्लस 3t3 माइनस 2t2 माइनस 9t माइनस 12 बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलते हैं आगे। एक गुड हैबिट होती है कि आप चेक कर लीजिए, कई बार क्या होता है लिखते समय हम लोग गलत लिख देते हैं तो कहानी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ क्या है, t^4 है, t^4 है, जबकि यहाँ t^2 है तो मुझे t^2 करना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ क्या 2 चाहिए जबकि मेरे पास यहाँ आगे क्या 1 है तो मुझे 2t2 का इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, आगे कुछ नहीं था मतलब 1 था तो 2 बन जा 2 एंड t^2 t^4 हो जाएगा। तो कुल मिला के 2t2 का t2 के साथ इंटू करूंगा तो आ जाएगा 2t4। ठीक है, एंड 2t2 का फिर माइनस 3 के साथ इंटू हो जाएगा तो 2 3 6 माइनस 6 माइनस 6t2 ये आ जाएगा यहाँ पर माइनस 6t2। क्लियर है, 2 3 6 माइनस 6 एंड t2 माइनस 6t2 सब्ट्रैक्ट होगा, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, आपका ये कैंसिल आउट हो गया, 6t2 से 2t2 चला जाएगा, कितना बचेगा प्लस 4t2, साथ में आ गया ये 3t3 माइनस 9t माइनस 12। क्लियर है यहां तक, फर्स्ट स्टेप सबको क्लियर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब अगेन यहाँ t3 है, यहाँ t2 है। ठीक है, तो मुझे कितने t की जरूरत है, 1। साथ ही साथ यहाँ क्या है 1 लिखा हुआ है, मुझे 3 चाहिए तो मुझे सबसे पहले तो 3 का इंटू करना पड़ेगा साथ में t का, तो 3 बन जा 3 एंड t इंटू t2 आ जाएगा t3। क्लियर है, क्लियर है, एंड साथ में इन दोनों का इंटू हो जाएगा तो 3 3 9 ये माइनस 9 माइनस 9t ये आ जाएगा माइनस 9t। क्लियर है, सब्ट्रैक्ट हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, यहाँ कैंसिल आउट ये हो गया, यहाँ कैंसिल आउट ये हो गया, साथ में आ गया ये आपका 4t2 माइनस 12। चलिए अब t2 यहाँ पर भी है, t2 यहाँ पर भी है, अब मुझे क्या करना है 4 का इंटू करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ 1 तो 4 बन जा 4 हो जाएगा, साथ में t2 ऑलरेडी है तो मुझे सिर्फ 4 का इंटू करना पड़ेगा, 4 बन जा क्या हो जाएगा 4 और साथ में t2 4 बन जा 4 4t2 ये आ गया 4t2 4 का 3 में इंटू हो जाएगा 4 3 12 माइनस 12 ये आ गया आपका माइनस 12 सब्ट्रैक्ट होगा ये माइनस हो जाएगा ये प्लस ये कैंसिल आउट हो गया ये कैंसिल आउट हो गया रिमाइंडर आपका आ गया 0 एंड स्टार्टिंग में मैंने बताया था अगर रिमाइंडर 0 मिला तो ये सेकंड ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड का क्या हो जाएगा फैक्टर हो जाएगा ना क्योंकि ये रिमाइंडर क्या है 0 सिंस रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 देयरफॉर दिस वन इज द फैक्टर ऑफ दिस वन लिख लेंगे क्या आप लोग यहां पर मैं लिख के दूं देयरफॉर t2 माइनस 3 is the factor of 2t4 plus 3t3 minus 2t2 minus 9t minus 12। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।